नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देख न्यूज में। दोस्तों, गुजरात में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। दिसंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ चुनाव आयोग ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं। कोई मतदाता वोटिंग से पीछे न छूट जाए, इसके लिए भी आयोग ने योजना बनानी शुरू कर दी है। इस बार गुजरात में एक पोलिंग बूथ ऐसा बनाया जाएगा जहाँ सिर्फ एक ही वोटर होगा। यह पोलिंग बूथ गिर के जंगल में बनाया जाएगा। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वह गिर के जंगल में एक वोटर के लिए मतदान केंद्र बनाएंगे। यहां मतदान कराने के लिए 15 अधिकारियों की टीम भेजी जाएगी। टीम मतदान के लिए सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक बूथ पर ही रहेगी। यह देश का एक अकेला ऐसा मतदान केंद्र है जहाँ सिर्फ एक ही वोटर है। चुनाव आयोग अभी तक गुजरात के वोटर भरत दास दर्शन दास के लिए अलग से मतदान केंद्र बनाता आया है। भरत दास एक मंदिर के पुजारी थे। वह जूनागढ़ के गिर के जंगल में बानोज नाम की जगह में एक मंदिर में रहते थे। हालांकि 1 नवंबर 2019 को ही महंत का निधन हो गया था। महंत भरत दास के बाद मंदिर के नए पुजारी महंत हरिदास के लिए यह खास बूथ बनाया जाएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल देख न्यूज के साथ।